परिवर्तन में देखो, अब थोड़ी जाटनी टाइप की जाटनी होती कट कर, दया थोड़ी कम आती है। अब जाटनी बेचारी वो बोली मैं देखो किसका नाम, कन्हैया आए चोरी में पकड़े गए कि भड़ाक से हाथ पकड़ा और खींचे ही ले गए, इतना लंबा घूंघट तो घूंघट में ना। अब बेचारे परेशान कन्हैया कि अब यहाँ पे कैसे बचे जाए, तो वहां को एक देवर कदम के पेड़ पर अपनी सखान की टोली के संग में बैठे। अब आने देखे कि मेरी भाभी और यह कन्हैया खींचे ले जा रही, तो कन्हैया से बोले अरे कन्हैया इशारे में कहाँ जा रहा है। तो कन्हैया ने इशारे में कहा देखो गुंगा की बोली गुंगा समझता है, तुम समझो ना समझे पर वो समझ रहे थे। अब तो कन्हैया ने इशारे में कहा अब वो समझ गए। कन्हैया ने कहा था कि जब मेरा विवाह कराएगी और मैं उसको बहू दिलाएगी छोटी सी। अब तो देवर बोला मेरा भी नंबर लग सकता है, मेरे भी शादी हो सकती है, विवाह हो जाएगा। तो कन्हैया बोले हो तो जाएगा, इशारे में हो रही है बात, अब उसको बुला लिया। अब इशारे में कन्हैया बोले दिलाने तो मुझे ले जा रही है पर मैं तो राजा को बेटा हूं ना, और कई है जाके। अब ऐसा कर पहले तू ही अपना ब्याह कर ले, पर बोलना नहीं है अब अपना हाथ। अब कन्हैया बोले गोपी से गोपी तू इतनी देर से मेरे एक हाथ है पकड़ के ले जा रही है, खींच के जहां दर्द है रहा हो, जब दूसरे हाथ में पकड़ ले हम नाई थोड़ी कर। अब भगवान ने दूसरा हाथ दिया, गोपी ने वो छोड़ के दूसरा पकड़ना चाहा, घूंघट तो लगाई है, भगवान ने अपने बजाया के देवर को हाथ दे दिया और कह दी बोलना नहीं बहुत चाहिए तो कहीं से शॉर्टकट रास्ते से घर चले। अब तो गोपी गई है अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, मैया बोली हाँ बोल, अरे देख आज मैं तेरे लाला है पकड़ के लाई हूँ साक्षात। अब मैया बाहर निकल के आई तो बोली अरे सौ क्या प्रधान है घूंघट है, देख तो सही जी मेरो लाला है कि तेरो देवर है। अब इतने में गोपी ने उठा के देखो घूंघट तो देवर सोच में पड़ गई, लाई तो कन्हैया ही पर जी मेरो देवर कहाँ पे आयो। इतने में भगवान पीछे से निकल के आए और अंगूठा दिखा के बोले अब करेंगे दोबारा हमसे हमसे पंगा लेगी। अब वो दांती पिसपिसा के बोली अब आना मेरी गली में तुझे तब देखो। भगवान बोले अभी और हमें चैलेंज दे रही है, अगली बार तेरे देवर बने और अगर अगली बार दोबारा हमसे पंगा लिया तो अगली बार तेरे खसम बन जाएंगे। और इसके बाद गोपियों से नहीं बना तो मैया को पता लग गया कि उदम बहुत करता है तो शिकायत करने लगे। मैया ने कन्हैया को रोक दिया। अब एक गोपी ने देखा कि कन्हैया तो यहाँ आते नहीं, उसके दर्शन करने जाना चाहिए, अब उसके दर्शन करने जाना चाहिए तो कोई बहाना तो हो। अब वो यशोदा मैया के पास गई, मैया मैया तेरे यहाँ बहुत गोबर हो गए गाय को गोबर, अब वो जाने जो कंडा बनाए जाए कंडा के काबू में तुम्हारे यहाँ कंडा तो बोले पर जामे रख दिए जाए हमारे यहाँ बेटोरा बेटोरा तो वो बना के तैयार बोल बनाना हो। अरे मैया वो बनाना वहां के लिए थोड़ा गोबर चाहिए तेरे खिड़क में ते ले जाओ। मैया बोली ले जा ना तेरा पड़ो जितना तो चाहिए कितना भी उठा ले, पर मैया उछावे वाला तो कोई चाहिए तो अपने कन्हैया भेज दे हमारे साथ। अब तो मैया बोली हाँ ये ठीक है उछावे चले जाएगा, कन्हैया जा रहे उदम मत करियो। कन्हैया बोले ठीक है। अब तो गोपी के पास चले गए, गोपी एक हेल ले जाए सिर पे। अब कन्हैया बोले एरी हमें कहा मिला गो चावे हम खामे खा लगे। तो गोपी बोली मिलेगा ना तो जितनी वो हेल चावे गो उतनी माखन के लड्डू दम दम। कन्हैया बोले गिनती कैसे होगी। गोपी बोली मैं जितने ही हेल लेके जाऊंगी ना उतने ही एक गोबर को टीका तेरे माथे में लगा जाऊंगा, गिनती कर लेंगे लास्ट। भगवान बोले ठीक है। अब वो दस बीस पचास ले गए उठा के और भगवान के माथे पे गोबर की बिंदी बिंदी धर दी झांझी बजा दिए ठाक। अब पीछे से आ गई इतने में यशोदा मैया। यशोदा मैया बोली लाला अरे भैया बेटा कब का नहीं आए हाँ अरे मेरे लाला सबरो देख कैसे गोबर को है रहे या सब के आग लग जा मेरे लाला को सबरो माथों को उतरा दो। अब आके माथे पे जैसे ही पहुंच दिया मैया ने अब तो कन्हैया रोवे सो रोवे रोवे सो रोवे और इतना रो। मैया बोली रो क्यों रहे हो रे बेटा अरे रो या के मारे रहे हो मैया तेने मेरो सबरो गड़े तो चौपट कर दियो मुंह माखन कैसे ले जी तो सबरो मेरो इतनो तेने चौपट कर दियो तो मिलेगा कैसे। ऐसी ऐसी उदम ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी वहां कर रहे हैं। मैया ने ज्यादा ही बरस दी अब जाना बंद कर दिया, गोपियों को दर्शन नहीं होता तो गोपियों को उल्हाना लेके जाना
अच्छा अब कौन कौन चलेगी तुम में से उल्हानों लेके चलो हाथ खड़े करो पहले बताओ भगवान को यशोदा मैया कर एक